बिहान छोड़ दो अभी उन्हें। नाम क्या है तुम्हारा? दिलीप। रहते कहाँ? सुरनगर। ये पकड़ो 1000 रुपए। घर जाओ, बीवी बच्चे के साथ मिठाई खाओ। आज गाड़ी तुम्हारे घर पहुँच जाएगी। चलो। अरे तुमने कसम खाई कि तुम ऑटो में ही जाओगी? तो हमने भी ठान ली कि तुम हमारे साथ। अगर तुमने कसम खाई कि तुम ऑटो में जाओगी तो हमने भी ठान लिया कि तुम हमारे। ऑटो स्टार्ट। धक्का मार। हिलाओ हिलाओ, गाड़ी चल रही है, हिलाओ खाली। गियर में है क्या? खाली गाड़ी हिलाओ, गाड़ी चल रही है, आगे की लाइन लो। बिहान जाना कहाँ है? कुछ बोल नहीं रहे हो, इसको इग्नोर करो। वापस पूछा बिहान ने। अरे जाना कहाँ है? नहीं नहीं बिहान, पहले तुम ना। तो पंखा है क्या? हाँ अभी छोटा वाला पहले सोच रहा था। अरे अंदर जाना है रजब। खड़ा सर। नहीं सर, गर्मी लग रही है। या ऊपर नहीं है देना। फोकस चेक, फोकस नहीं है। क्या करता करता हूँ, बहुत दूर है। आ जाओ। ऑटो बंद हो गया, ऑटो बंद हो गया। तुमने ऑटो क्यों रोका इस तरह? तुम काम ही ऐसे करती हो, क्या जरूरत थी ऑटो में आने की? हमें नहीं बता सकती थी क्या करना है? हम ले चलते तुम्हें। चलो चलो बाइक पे बैठो। रिक्शा भी आगे लो, फिर दो आगे लो दादा, आगे लो। बिहान ये क्या बदतमीजी, तुमने ऑटो इस तरह क्यों रोका? क्योंकि तुम काम ही ऐसे करती हो, क्या जरूरत थी ऑटो में आने की? हमें बता नहीं सकती थी? हम ये जाते जहाँ जाना है।
तुम्हें मैंने कितनी बार कहा कि मैं अपने काम खुद कर सकती हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। और हमने तुमसे कितनी बार कहा है कि हम तुम्हारी मदद नहीं कर रहे, हम जो कर रहे हैं अपने परिवार के लिए, पांडे परिवार और उसकी इज्जत के लिए। चलो बैठो बाइक पे, बताओ हमें कहाँ जाना है। रोक दिया उसको, ऊपर लो, दोनों को पकड़ना, बाइक पकड़ना, साइड में करना बाइक, ऐसे नहीं गिरेगा, एक सेकंड, वहाँ से चलने से लगा। मनीष तूने वो लाइन ले ली। बोल, रोलिंग, ध्यान मत चलना, उसको बना रुको, बोल, रोलिंग, डाउन टिल्लो थोड़ा सा, रोलिंग, रोलिंग, ऊपर का कैमरा टिल्लो, रोलिंग, एक्शन, रुको। ये लो 1000 रुपए, घर जाके अपने बच्चों के साथ मिठाई खाओ, ठीक है? तुम्हारी गाड़ी तुम तक पहुंचे। अगर तुमने कसम खाई कि तुम्हें ऑटो में ही जाना है तो हमने भी ठान ली तुम हमारे साथ। अब दो हट जाओ, स्टार्ट कर दो कारिश, ऑटो वाले इंजीनियरिंग की जॉब है। I think ये हमें चीट करना पड़ेगा। तो चलो आप चलो, मैं शादी के गम में सब कुछ भूल गया। होता ना शादी खाके तो शादी करके पछताता इंसान, वो हालत हो गई। ऑटो चलाने की नौबत आ गई मेरी, देखो। नहीं एक्चुअली आई एम ऑटो मोबाइल इंजीनियर, तो मैं गाड़ियाँ सारी ऑलमोस्ट सब जानता हूँ। दिल से अब दिल पे बात आ गई कि गाड़ी चलानी, और चाहे कैसी भी हो, चाहे 700 साल पुरानी गाड़ी हो, बट चलानी। बेसिकली सीन ऐसा था कि मैं मंदिर जा रही हूँ एनवेलप लेके, एनवेलप की बहुत प्यारी सी ट्विस्ट वाली कहानी है, वो आपको देखने को मिलेगी आगे आने वाले एपिसोड्स में, और आई थिंक ये बहुत ही अच्छी लगेगी व्यूअर्स को। एंड हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं इस सीन के ऊपर, और ये मेरा हमारा ऑटो रोक देते हैं बीच में आके, हमेशा जैसे कि बीच में टांग अड़ाते हैं हर चीज़ में मेरे, वहाँ पर भी आ जाते हैं और ऑटो वाले को धक्का मार के बाहर निकाल देते हैं, जैसे कि अपनी गुंडागर्दी करते हैं शो में। या टांग अड़ाना टशन बोलते हैं उसको, टशन प्लीज। हाँ जी बिल्कुल, हर चीज़ में मेरी भी और इनकी भी, एक दूसरे के साथ भिड़ते ही रहते हैं। अच्छा मैंने सुना कि कल आपको कुछ चोट लग गई थी, क्या हुआ था? कौन सा? एक और बहुत ही क्यूट सीन है हमारा, बहुत ही प्यारा सीन। आई थिंक इट इज अ फर्स्ट रोमांटिक सीन जिसमें वो बता नहीं कॉज, वो बहुत ही अच्छा सीन है, वी वांट की पब्लिक देखे। और रियलिस्टिक क्या है, आपने रियलिस्टिक करने के लिए हमने सेफ्टी नहीं लिया कि रियल लगे वो चीज आप लोगों को, तो थोड़े से रियल के चक्कर में हम लोग, या तो मेरे को बैक तो बहुत ज्यादा से क्या सबक मिला आपको कि सेफ्टी करनी चाहिए? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, बॉडी बनानी पड़ेगी। नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने पहले भी किया है हमने ऐसे टंकी वाले सीन्स किए हैं जिसमें रियल में डूबा, मैं डूबी थी पहले, मैंने मटके भी खाए हैं सर पर, फूड हैं, तो इट्स लाइक स्टंट गर्ल है हमारी, स्टंट्स खुद करते हैं। अगर मुझे थपकी प्यारी के बाद कोई मौका मिले तो मैं स्टंट मैन बन सकती हूँ। अच्छा थपकी नवरात्र पे क्या आपके स्पेशल करने वाली? नवरात्रि पे हम दोनों ने एक स्पेशल कर लिया है बोरीवली में, कोरा केंद्र नवरात्रि उत्सव होता है, हम दोनों उसमें जाकर आए हैं एक दिन रात को, एंड इट वाज सो फन। हमें ऑन स्क्रीन मौका नहीं मिलता है इतनी मस्ती करने का जो ऑफ स्क्रीन मिला है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों के बीच में रूबरू होने का मौका मिला जो कि हमें यूजुअली नहीं मिलता है।
तो बहुत ही खुशी हुई जानने का मौका मिला कि फिल्म सिटी से बाहर भी लोग हमें कितना जानते हैं और कितना प्यार करते हैं. तो थैंक यू सो मच. सीरियसली अपने फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे और अपने फ्रेंड्स के लिए? अभी ओके मैं वैसे शो में रुक रुक के बोलती हूँ, अभी बोल सकती हूँ. ओके मैं अपनी सारी फ्रेंड्स के लिए, अपने सारे लवली फैंस के लिए यही कहना चाहूँगी कि आपने आज तक हमें जितना प्यार दिया है, आई थिंक आज हम जितनी मेहनत कर रहे हैं आपके ही प्यार की वजह से हम एनकरेज होते हैं, मोटिवेट होते हैं उससे ज़्यादा मेहनत करने के लिए. और आई होप आपको आगे वाले आने वाले ट्विस्ट पसंद आए, स्टोरी पसंद आए. हम दोनों ही बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हमारी केमिस्ट्री आपको बहुत पसंद आए. सो कीप वॉचिंग था आपकी प्यार की ओनली ऑन कलर्स एट 7. क्या तैयारी है आपकी? नवरात्र पे तैयारी वैसे टाइम नहीं मिल पाता हम दोनों को बिकॉज बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता है. सुबह पैकअप होता है, फिर सुबह वापस आना होता है, तो इट्स लाइक वी जस्ट गेट टाइम टू टेक बाथ एंड कम बैक. तो नवरात्र की अभी इतनी खास तैयारी नहीं है ऑफ स्क्रीन, बिकॉज हम दोनों के पेरेंट्स यहाँ नहीं रहते हैं, अकेले रहते हैं, तो बैचलर्स में इतना नहीं होता है. बट ऑन स्क्रीन हमें थपकी प्यार की हमारे प्रोडक्शन सोल प्रोडक्शन की वजह से मौका मिला कि हम नवरात्र यहाँ पर सेलिब्रेट कर पाएँ सबके साथ. तो दैट्स अमेजिंग. थैंक यू सो मच. तो कुछ बोलते हैं.